दोस्तों आप सभी का स्वागत है ट्राईटेक स्टफ के इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं नेटगियर वाईफाई राउटर की सेटअप, कैसे कर सकते हैं हम सेटअप। बने रहें, मैं आपको काफ़ी चीज़ें काफ़ी बारीकी से और हिंदी में बताने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो नेटगियर का येलो पॉइंट है जिसमें इंटरनेट सर्विस आती है, जहाँ मैं एरो करके दिखा रहा हूँ, वो जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैं एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ, उसके इंटरनेट आउटपुट में कनेक्टेड होनी चाहिए और दोनों ही पावर ऑन होनी चाहिए, ताकि आप का कनेक्शन प्रॉपर हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से और आप आगे के प्रोसेस को फॉलो कर सकें। आपको वाईफाई को ऑन करना है। जैसे आप वाईफाई से ऑन होंगे, ये नेटगियर जेन्युइन इस बहुत ही स्मार्ट वाईफाई राउटर है। इतना स्मार्ट इनफ है कि ये खुद ही नेटवर्क को डिटेक्ट करेगा और खुद ही उसके हिसाब से आपके वाईफाई राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। आप देख सकते हैं, चेकिंग द इंटरनेट कनेक्शन, प्लीज़ वेट, इट इज़ डूइंग स्मार्टली फॉर यू। सो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और आप देख सकते हैं, इसने आपको विद इन ए सेकेंड मैसेज भी दे दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और जैसा मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, अनबॉक्सिंग ऑफ नेटगियर R6220 में, कि ये दो बैंड का है, 2.4 GHz एंड 5 GHz। और जो इसने दोनों बैंड को कॉन्फ़िगर कर दिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि वायरलेस नेटवर्क का जो पासवर्ड है वो डिफ़ॉल्ट ये है, जो सभी R6220 में होता है, जो आप चेंज कर सकते हैं। सो आप इसके प्रोसेस को फॉलो करें, जस्ट नेक्स्ट बोलें और फिर डाउनलोड द फॉलोइंग राउटर ऐप। सो ये एक ऐसा वाईफाई राउटर है मार्केट में जो आपको एक ऐप्स भी प्रोवाइड करती है, जो ऐप आप अपने मोबाइल में, टैबलेट में इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसके थ्रू अपने वाईफाई नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं। ये राउटर काफ़ी स्मार्ट है। तो ऐप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डाउनलोडेड है, तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ। सो अब ये प्रोसेस को सेटअप कर रहा है आपके वाईफाई राउटर में, आपके आने वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से। तो ये राउटर इतना स्मार्ट इनफ है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो बेस्ट होंगे इस राउटर के लिए ऑटोमेटिक कर देता है, और ये ऑटोमेटिकली ये चेक करता है फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो वाईफाई राउटर में इंस्टॉल होता है। तो ये चेक कर लिया कि कोई नया वर्जन का फॉर्मवेयर तो नहीं है, क्योंकि जो भी नया सॉफ्टवेयर होगा उसमें नए फीचर्स होंगे और वो अच्छा होगा इस राउटर के लिए। तो आप देख सकते हैं, देयर इज नो न्यू फॉर्मवेयर, सो से ओके। और ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया, जो अभी हम नहीं करने वाले, तो मैं क्लोज करता हूँ, डू नॉट क्रिएट अकाउंट। ओके, इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर यू कैन रजिस्टर, अदरवाइज यू कैन क्लोज दिस पिक्चर। ओके, and open one browser। आप connect करेंगे, ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम जो है वो एडमिन है और पासवर्ड जो है पासवर्ड है फॉर ए फर्स्ट टाइम। सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बताने वाला हूँ आपको, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीक में, उस वीडियो में मैं इसका एडवांस पार्ट बताऊँगा आपको। और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि इसके एडवांस फंक्शनैलिटी को आप यूज़ करें। उसको यूज़ करने से आप अपने घर को 100% श्योर कर सकते हैं साइबर क्राइम से, साइबर थ्रेट से, और कोई भी आपके घर के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क पे नहीं यूज़ कर सकेगा। चाहे आपका फ़ोन में एंटीवायरस हो या ना हो, आपके घर में लैपटॉप में एंटीवायरस हो या ना हो, कोई भी हैक नहीं होगा, क्योंकि जिससे हमारे घर में आने का जो दरवाज़ा है, जो वाईफाई और जो इंटरनेट है, हम वहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। सो ये जो है, इसमें दो पार्ट हैं, एक है बेसिक एंड एडवांस। सो बेसिक में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कनेक्ट हो गया इंटरनेट से और आपको स्टेटस भी गुड दे रहा है, आपके पास वायरलेस नेटवर्क है। अटैच डिवाइस, जब भी आपके नेटवर्क में जो भी डिवाइस अटैच है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन अटैच है। अगर आपको लगता है कि कुछ डिवाइस ऐसे अटैच हैं जो नहीं होने चाहिए, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। पैरेंटल कंट्रोल जो है, उसमें आप अभी पैरेंटल कंट्रोल सुन के तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा है
फंक्शनैलिटी और फीचर्स दिए गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है यूज़ करने का और अपने घर को कई तरह के साइबर क्राइम के इशू से बचा सकते हैं, थ्रेट से बचा सकते हैं। रेडी शेयर जो है उसमें आपके घर में जो भी यूएसबी ड्राइव है, जो भी यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव है आपके पास, आप उसको इस नेटगियर के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और उस हार्ड डिस्क को पूरे परिवार में शेयर कर सकते हैं, मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप्स पे। और गेस्ट नेटवर्क जो है काफ़ी अच्छा फीचर्स है, जब भी कोई गेस्ट आए तो उनको आपके घर का जो नेटवर्क है, जो वायरलेस यूज़र आईडी पासवर्ड है, वो कभी ना दें, आप सिर्फ उनके लिए गेस्ट नेटवर्क को इनेबल कर दें और इनेबल करके जो उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड है आप उनको दे दें, जब वो चले जाएँ तो गेस्ट नेटवर्क को ऑफ कर दें। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई पड़ोसी या कोई भी आपके फ्रेंड आए जो आपको यूज़ कर रहे थे, आपके घर के पड़ोसी, इसका रेंज काफ़ी अच्छा है, तो अगर पड़ोसी एक बार कनेक्ट हो गए तो आपका नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं और आपके इंटरनेट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 6 बॉक्स है जिसके बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए, बेसिक चीज़ों पे मैं अभी बात करूँगा और फिर इसके जो एडवांस पार्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीक में बात करूँगा। सो इंटरनेट में आप जब जाएंगे तो अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आपको यहाँ पर यस बोल के यूज़र नेम, लॉगिन यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड सेट करना होगा। मेरे सर्विस प्रोवाइडर में यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको नो रखा है। और गेट डायनेमिक फ्रॉम आईपी, सो आप आईपी एड्रेस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आपका खुद का भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बेसिक ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसको चेंज करने की। बाद में DNS का है, वो भी मुझे मैं कहता हूँ कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो नेक्स्ट है वो वायरलेस है, जो मैं आपको बोलूँगा इस टैब पे क्लिक करें और आपको ये कॉन्फ़िगर करना है। जैसे मैंने अपने पिछले अनबॉक्सिंग ऑफ नेटगियर सेम राउटर का जब मैंने अनबॉक्सिंग बताया था तब मैंने आपको इसके फीचर्स बताए थे, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप वो अनबॉक्सिंग देख लें वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। सो इसमें दो तरह के नेटवर्क हैं, एक है जो कि 2.4 GHz के बैंड पे चलता है, ठीक है, और दूसरा है जो 5 GHz के बैंड पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे BGN। सो ये नेटवर्क के टाइप हैं जो स्पीड के ऊपर हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं AN एंड AC। AC जो नया स्पीड है जिसमें आपको अप टू 867 Mbps तक का स्पीड मिल सकता है, और इस नेटवर्क में आपको 300 Mbps। तो जैसे हमें पता है कि आज के डेट में जब हम लोग गेम खेलते हैं वायरलेस पे तो हमें एक्चुअली 5 GHz का नेटवर्क चाहिए, जब हम वीडियो स्ट्रीम करते हैं टीवी पे, जब हम नेटवर्क पे डेटा शेयर करते हैं तो हमें हाई बैंडविड्थ चाहिए। तो जब भी आपको हाई बैंडविड्थ चाहिए और जब भी आपको प्रीफर हो तो आप 5 GHz के नेटवर्क को कनेक्ट कर लें, ताकि उससे क्या होगा कि आप जब भी उस पे काम करेंगे तो आपको अच्छा स्पीड मिलेगा, ओके। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले तो आपका जो भी वाईफाई राउटर का नाम है, वाईफाई नेटवर्क का, वो आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है, होम 1 2 3 जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि आपको पासवर्ड ज़रूर चेंज करना है, ठीक है। तो आपको इस वर्ड जो भी आपको रखना है, सिक्योर पासवर्ड, जितना स्ट्रांग आप पासवर्ड रख सकते हैं, 8 से 63 डिजिट और 64 डिजिट आप वो पासवर्ड सेट कर दें। और दूसरा, और आपको सिर्फ एक के लिए नहीं है, दो नेटवर्क के लिए, दो वाईफाई नेटवर्क के लिए दो नेटवर्क हैं तो दोनों के लिए आपको पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पासवर्ड सेट करना है। अभी मैं कैंसिल करता हूँ, जो है मैं वैसे ही डिफ़ॉल्ट रखने वाला हूँ, और फिर से हम होम पे जाएंगे और अब हम अटैच डिवाइस देखेंगे। सो अभी अटैच डिवाइस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सिर्फ, अभी तो मैं सिर्फ एक ही डिवाइस से कनेक्टेड हूँ, सो आप सिर्फ एक ही डिवाइस को देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम होम में जा सकते हैं और आप सेम जो हम टैब पे क्लिक कर रहे, वो टैब यहाँ भी है जहाँ पे इंटरनेट है, वायरलेस है, अटैच डिवाइस है, पैरेंटल कंट्रोल। सो पैरेंटल कंट्रोल में आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा, एक वीडियो ही होगा पैरेंटल कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि
ये पैरेंटल कंट्रोल वो नहीं है जो एंटीवायरस प्रोवाइड करते हैं और जो अदर सर्विस प्रोवाइडर या वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। ये वो है जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जिससे आप आपके घर के सभी नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, सभी अटैक को सिक्योर कर सकते हैं, आपके डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, कोई भी आपके डेटा को हैक नहीं कर सकता। तो मैं आपको नेक्स्ट वीक के वीडियो में बताने वाला हूँ कि पैरेंटल कंट्रोल कैसे कॉन्फिगरना है और वो लाइव होता है, ठीक है। रेडी शेयर क्या है कि आप इसमें कोई भी यूएसबी, जो भी आपके पास यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव है, आप उसको यहाँ पे जो राउटर के पीछे यूएसबी है उसमें कनेक्ट कर दें और आप इस नेटवर्क पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैंने कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट किया है, सो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और गेस्ट नेटवर्क क्या है, सेम जैसा हमने देखा था वायरलेस नेटवर्क फॉर घर, अपने घर के लिए, वैसे ही यहाँ पर गेस्ट नेटवर्क है आपका। यहाँ पर होम गेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले इनेबल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे इनेबल करना है। जब भी गेस्ट आए तो आप इसको इनेबल कर दें और फिर यहाँ भी इनेबल कर दें। और जो गेस्ट हैं उनके साथ अपना मेन पासवर्ड ना शेयर करें, तो इसके लिए आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो नेटवर्क हैं उसमें आपको पासवर्ड सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वेब टू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको गेस्ट के लिए जो भी पासवर्ड है गेस्ट 123 आप सेट कर दें। और जब भी कोई गेस्ट आए तो उनको भी पासवर्ड, और दोनों नेटवर्क अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो दोनों ही वायरलेस ओपन कर सकते हैं। गेस्ट 123 मैंने दोनों के लिए पासवर्ड दे दिए, ठीक है, फॉर ए डिफ़ॉल्ट। और जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, सो मैंने दोनों ही इनेबल कर दिए हैं नेटवर्क। सो आप जैसे ही, मैंने क्या क्या इनेबल किया है, नेटवर्क इनेबल किया है और मैंने पासवर्ड के लिए वेब टू भी सेलेक्ट किया है, और मैं जैसे ही इसको अप्लाई बोलूँगा, इसके बाद हम अपने वाईफाई नेटवर्क के रेंज में हमें नेटगेयर का जो होम गेस्ट बनाया है हमें वो भी दिखने लगेगा। सो अब अगर आपके वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको, आप देख सकते हैं आपका होम गेस्ट नेट, होम गेस्ट, आप देख सकते हैं नेटवर्क आ रहा है। और सो आप देख सकते हैं आपके पास होम गेस्ट नेट, जो हमने नाम दिया था वो नेटवर्क हमें दिखने लगा है। सो ये इनेबल होता है, जैसे ही गेस्ट चले जाएं तो फिर से आप इसको डिसेबल कर दें, पासवर्ड वही रख सकते हैं और इसको फिर से अप्लाई बोल दें। तो जब भी गेस्ट आएँ तो उनको ये नेटवर्क दें, अपने घर का मेन नेटवर्क का यूज़र आई डी पासवर्ड ना शेयर करें, क्योंकि आप किसी पर आज के डेट में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका क्या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो पुल कर सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क में कनेक्ट होने वाले आपके घर के होम नेटवर्क के डेटा को पुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था नेटगेयर R6220 वाईफाई राउटर का। और जो हम, जैसे मैंने पहले बताया था, अब आप देखिए वो नेटवर्क नहीं दिखेगा अब आपको, क्योंकि वो डिसेबल कर चुके हैं तो वो विजिबल नहीं होगा। सो दोस्तों, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था इस राउटर का। जो एडवांस है वो मैं आने वाले हर वीक में आपको बताने वाला हूँ, और मैं कहूँगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपको इस वाईफाई से रिलेटेड या कोई भी वाईफाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।